अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं परवेज बट आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिस वीडियो को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो ज़िला कुपवाड़ा के तहसील तर्तपुरा से है जिसमें एक बुज़ुर्ग माँ और एक बुज़ुर्ग बाप और दो जवान बेटियां जो है मदद की अपील कर रही है, जबकि हमारी रिपोर्टर नासना बशीर जी जब वहाँ पर गई, जब उन्होंने वहाँ का दौरा किया तो वहाँ के उन लोगों से जो है मकामी लोगों से और उन लोगों से जब बात की तो उन लोगों का कहना है कि हमारे पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। वहीं उन जवान बेटियों ने जब मीडिया के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पापा पहले अच्छा खासा कमाते थे लेकिन 2 साल पहले जो है एक बीमारी की वजह से वो घर पे रह गए। अब हमारा कोई सहारा नहीं है, कमाने का कोई भी ज़रिया नहीं है। एक छोटा भाई है लेकिन वो कमा नहीं सकता है। उसके अलावा जो है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि मेहरबानी करके जो हमारी मदद की जाए और सरकार से भी अपील की कि बहुत सारी फंड्स आती है, बहुत सारी पैसा आता है आरडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है उनको, उनमें से उनकी थोड़ी सी मदद की जाए। उसके अलावा जो है उन्होंने लोकल एनजीओ से भी मदद की, जो एनजीओ होती है जो इस तरह की मदद करती है, जो इन ऐसे लोगों की मदद करती है, तो उन्होंने भी लोकल एनजीओ से भी ये अपील की है कि मेहरबानी करके जो हमारी मदद की जाए। हमारी दो जवान बेटियाँ हैं, आगे शादी होनी है लेकिन घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, चूल्हा नहीं जलता है, सिर्फ 3 टाइम में से सिर्फ 1 टाइम चूल्हा जलता है। उन्होंने खास हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे सब लोगों से अपील की कि मेहरबानी करके जो है हमारी मदद कीजिए। सबसे पहले इस वीडियो पर एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम। देखो नाजरीन, हम इस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के गांव में हैं जिसको कियल कहते हैं। नाजरीन, हम अब इस वक्त ऐसी फैमिली के साथ आपको मिला रहे हैं जो फैमिली है उनके पास कोई सहारा भी नहीं है। ठीक है नाजरीन, हम इस चाचा के साथ बात करेंगे, देखो इस चाचा की हालत कैसे है। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा आपका नाम क्या है? जमाल डार। चाचा आप करते क्या हो? बस बैठ कर, मुझे नहीं ना कुछ, गांव वालों ने मकान बनाया, हमको कोई सहारा नहीं, गया सरपंच के पास, उसने बोला हम 2 साल आएगा, आज 2 साल हो गया हम इसी मकान में, इसको गुजारा होगा, उन्होंने मकान बनाया। अच्छा, हम बेकार हैं। अच्छा चाचा, आप रहते गाँव कियल में। अच्छा, जो आपके बच्चे हैं? वो भी है, 3 बच्चे को पढ़ाई नहीं किया। 3 बच्चे हैं आपको पढ़ाई नहीं किया बच्चों ने? ना। पढ़ाई क्यों नहीं किया बच्चों ने? जब गुजारा नहीं होगा तो इनको कहाँ पढ़ाएगा? जब गुजारा नहीं है इसीलिए बच्चों ने नहीं पढ़ाया। बच्चे कितने हैं? 3। जो इतनी कंडीशन, आपकी हालात खराब है ना, आपके घर कैसे चल रहा है? बस यही चल रहा, गाँव वाले भी करता हूँ और मुझे भी थोड़ा बहुत बेटर इसीलिए। अच्छा, गांव वालों आपको, आपके लिए आपको हेल्प कर रहे हैं? अच्छा, अब लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से चाय भी, चाय ना, नमक हो, मिर्चा हो, बारी मिर्चा। मकान का गुजारा है नहीं, मेरा पेंशन देखो। आप क्या लोगों से आप गुजारिश करना चाहते हैं? लोगों से बस यही मांग कर लेता है सब कुछ। आप लोगों से गुजारिश आप करना चाहते हैं, मुझे मदद करिए। हाँ, मजदूरी शजूरी करते हो चाचा? वेट कर रहे हैं। बच्चों को क्या खिलाते उलाते? चूल्हा वूल्हा जलता है ना? एक टाइम चलता है, एक टाइम नहीं चलता। और चाचा जमीन वमीन है कुछ? और कुछ नहीं, बस यही है जो है सो यही है बस, ये बेटी है। हाँ, आप इस बेटी से बात करके, बेटी कैसी कंडीशन है आपके घर की?